किन बातों का ख्याल रखना चाहिए स्पेशली वे द चाइल्ड डज नॉट हैव मैनी स्टेबल इन द फैमिली और इन देयर लाइफ द चाइल्ड हैज़ एक्सपीरियंस न्यूमरस लॉसेस अब क्या होता है कि एक बच्चा जब एक थेरेपी लेने आता है और उसके पास ऑलरेडी अपनी लाइफ में बहुत सारे क्राइसिस सिचुएशन होते हैं जिनसे वो गुजरा होता है उसकी लाइफ में मे भी कोई सिग्निफिकेंट अदर्स नहीं होते जिन पे वो ट्रस्ट कर सके या जिन पे वो रिलाई कर सके तो वो थेरेपी के दौरान थेरेपिस्ट की तरफ बहुत लुकअप करता है कि वो उसके साथ अपना रिलेशनशिप स्ट्रेंथन करे उससे सीखे उससे लर्न करे और उससे वो एक कंफर्ट की फीलिंग जो है वो सीख करता है सो so, ऐसी सिचुएशन में जब थेरेपी को एंड करना पड़ता है तो ये एक थोड़ा सा आ, टीडियस टास्क बन जाता है आ, लेट्स ए इट्स इंपॉर्टेंट टू डिस्कस टर्मिनेशन एट द बिगिनिंग अब आपने शुरू में बच्चे को बताया कि एक टाइम आएगा आफ्टर अचीविंग सर्टन गोल्स कुछ सेशनस के बाद हमने थेरेपी को एंड uh, अप कर देना है लेकिन उसके बाद इस प्रोसेस को जारी रखते हुए भी बच्चे को कभी कभी ये बताना ज़रूरी है कि आपने अपने ओन पर स्टैंड करना है आपने सारी जिंदगी थेरेपस्ट की ट्रेनिंग के साथ तो गुजारनी है लेकिन थेरेपिस्ट के साथ नहीं गुजारनी तो इस डिफरेंस को समझें दैट वन डे दिस थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप इज़ गोइंग टू एंड ये वो एक लेसन है जो रिपीटेडली बार बार बच्चे को दिया जाना चाहिए ताकि उसको पता हो कि वो प्रिपेयर हो सके इस प्रोसेस के लिए एडवांस में ताकि जिस दिन आप टर्मिनेशन कर रहे हों या टर्मिनेशन की मीटिंग कर रहे हों वो बच्चे के लिए ऐसे ना हो कि उसका कोई सिग्निफिकेंट अदर उससे लूज़ हो गया है एक्सप्लन टू द चाइल्ड क्लियरली इन एज अप्रोप्रिएट टर्म्स यानी जितनी भी उस बच्चे की उम्र है उसको उसके लैंग्वेज में ये समझाएँ वाई द थेरेपी मस्ट एंड फॉर एग्जाम्पल माई टेम्फोसाइज दैट चाइल्ड हैज़ मेड सो मच प्रोग्रेस सो फार दैट नो लॉन्गर द थेरेपी इज़ बींग नीडिड जैसे हम एक बच्चे को अगर स्कूल में पढ़ते हुए कितना भी मज़ा क्यों ना आ रहा हो हम उसको समझाते हैं कि स्कूल की लाइफ टेंथ ग्रेड के बाद ख़त्म हो जाएगी चाहे आपको अपना स्कूल कितना भी क्यों नहीं पसंद था नाउ यू हैव टू गो टू द कॉलेज लाइफ इसी तरह अगर आपको कॉलेज की लाइफ बहुत ज़्यादा पसंद थी तो उसके बावजूद यू कॉन्ट गो बैक टू स्कूल और रिमेन इन कॉलेज येट यू हैव टू गो टू यूनिवर्सिटी इसी तरह एक थेरेपी का जो प्रोसेस है वो तो चाहे जितना भी पॉजिटिव या अच्छा क्यों नहीं था उससे मूव ऑन होकर नेक्स्ट लाइफ के किसी और फेज़ में एंटर होना भी बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हाईलाइट दैट यू केयर अबाउट द चाइल्ड इस प्रोसेस में बच्चे को ये फीलिंग देना बहुत ज़रूरी है कि आप उसकी केयर करते हैं आपको उसकी वेलबींग का ख्याल है और अगर उसको दोबारा कभी भी ज़रूरत पड़ेगी तो ही और शी कैन कम टू यू बिकॉज यू आर ऑलवेज देयर फॉर दैम बट ओनली इफ़ इट्स ट्रू इट माइट नॉट बी इफ देर इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट पेरेंट्स और अदर रीजन फॉर टर्मिनेशन ये तो वो सिचुएशन मैंने आपसे एक्सप्लेन की जिसमें थेरेपी के ऑब्जेक्टिव अचीव हो गए और एक हेल्दी नोट के ऊपर थेरेपी टर्मिनेट होने जा रही है लेकिन अगर रीज़न ये नहीं है अगर उसमें कुछ कॉन्फ्लिक्स हैं तो प्रॉबेबली गाइडलाइंस या प्रोसेस जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा सम अदर स्ट्रेटजीज में इंक्लूड टॉक अबाउट टर्मिनेशन इन लास्ट सेशन अगर एक हेल्दी या हैप्पी रिलेशनशिप नहीं जा रहा तो प्रॉबेबली यू कैन जस्ट शेयर इट इनटू द लास्ट सेशन वो कहेगा कि मेरी भी जान छूट गई आपकी भी जान छूट गई रिलेशनशिप एंड हो गया बिकॉज वेन यू आर नॉट इन टू अ सेम बोर्ड वैन यू आर नॉट इन टू हा हारमनी वहाँ पर टर्मिनेशन की स्ट्रैटेजीज जो हैं वो डिफरेंट होंगी एनकरेज द चाइल्ड टू शेयर द फीलिंग्स उससे कहो कि वो अपनी फीलिंग्स बताए मोस्टली उसको टर्मिनेशन से बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं हो रही होगी एंड शेयरिंग दैट थैरेपी ड्यूरिंग द थेरेपी वुड बी हेल्पफुल फॉर हिम कि वो टर्मिनेशन से स्मूथली ट्रांसिट हो जाएगा लैंड आ टर्मिनेशन एक्टिविटी टू मेमोराइज थेरेपी एंड दैन द प्रोग्रेस दैट चाइल्ड हैज़ मेड आप उसको वो सारी प्रोग्रेस बताएंगे रिकॉर्ड करवाएंगे रिमेंबर कि आपने ये ये कुछ प्रोसेस में सीखा और अब आप इसके बाद uh, किस स्टेज पर खड़े हैं जब आप बिगनिंग में आए थे तब कहाँ थे और आप एट द एंड कहाँ पे खड़े हैं तो ये कंपैरिजन uh, करना और चाइल्ड को ये रिलाइज कराना कि उसने कुछ प्रोग्रेस की है इस वेरी इंपॉर्टेंट टॉक टू द चाइल्ड अबाउट स्ट्रेटी ऑफ मैनेजिंग पेनफुल इमोशंस वैन दे आर नो लॉन्गर इन थेरेपी जब एक थेरेपी ख़त्म हो जाती है तो कन्फ्लिक्ट और पेनफुल इमोशंस के साथ डील करने का तरीका बच्चों को दोबारा से रिवाइव कराना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ऐसा ना हो कि आप थेरेपी बंद कर दें और वही डिस्ट्रैक्टिंग इमोशंस उसको सेल्फ uh, हार्म की तरफ और उसको और डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर्स की तरफ ले जाएँ हेल्प द चाइल्ड टू डिवेलप आ लिस्ट ऑफ सपोर्टि पीपल यानी आपने बच्चे से पूछना है कि अगर आपको प्रॉब्लम होगी मेरे अलावा आप घर में सबसे पहले किसके पास जाओगे तो कहेगा प्रॉबेबली टू माई एल्डर ब्रदर अच्छा फिर आप किसके पास जाओगे टू माई यंगर सिस्टर फिर किसके पास जाओगे टू माई मदर फिर किसके पास जाओगे टू माई ग्रैंड मदर फिर किसके पास जाओगे टू माई फादर नाउ हेयर वाट आर यू डूइंग यू आर जनरेटिंग अ लिस्ट ऑफ़ द पीपल हु आर गोइंग टू सपोर्ट द चाइल्ड इन द फ्यूचर तो इस तरह से उसके पास फाइनली एक लिस्ट आप उसे दे दोगे कि ये तुम्हारे पास मेरे अलावा सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए लोग हैं जब तुम्हें इनकी ज़रूरत पड़ेगी देन डिस्कस द टर्मिनेशन प्रोसेस विद द पेरेंट्स एज वेल चूँकि बच्चा जो है वो एक माइनर है वो इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं ले सकता तो पेरेंट्स को इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी है एंड देन आइडेंटिफाई स्ट्रेटजीज फॉर हेल्पिंग द चाइल्ड एडजस्ट एंड डिवेलप क्राइटेरिया फॉर रिटर्निंग टू थेरेपी और हम उसके बाद बच्चे को बताएंगे कि वट कुड बी द स्पेसिफिक रीजनस इफ़ दीज काइंड ऑफ द सिम्टम्स डिवेलप और इमर्ज और एनीथिंग लाइक दैट तो फिर आप वापस थेरेपी के लिए आ सकते हैं तो ये क्राइटेरिया बताना बहुत ज़रूरी है ताकि ऐसा ना हो कि वो रेंडमली हर वक्त ये महसूस करे कि मुझे वापस थेरेपी में जाने और एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है